तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने डिवाइस के अंदर पोकेमॉन लेट्स को पिकाचू खेल रहा हूँ, वो भी एकदम स्मूथली। तो गाइस बिना कोई बकवास किए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं अभी इसको स्काईलाइन इम्यूलेटर की मदद से खेल रहा हूँ। तो पहले तो आपका जो डिवाइस है वो 6 GB रैम प्लस होना चाहिए। आपका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का होगा तो अच्छा चलेगा, वरना मीडियाटेक में भी चली जाएगा। खैर अगर स्नैपड्रैगन का हो तो काफ़ी स्मूथली चल जाता है। एंड हाँ, तो आपका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 700 प्लस होना चाहिए और एंड्रॉयड वर्जन भी 10 प्लस होना चाहिए, तभी जाके मैं आपको ये खेलना रिकमेंड करूँगा, वरना तो भाई मज़ा नहीं आएगा फिर आपको खेलने में। अगर तुम्हारे पास ऐसा डिवाइस है तो फिर तुम लोग इसको ईजीली खेल सकते हो भाई, बट ये कभी कभी क्रैश व्रैश हो जाता है, पर तुम लोग को सेव करते हुए चलना पड़ेगा फिर, ताकि अगर गेम क्रैश भी हो जाए तो फिर तुम वहाँ से दोबारा से चालू कर सको। अभी मैं जिस डिवाइस में खेल रहा हूँ उसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 719 एंड 8 GB रैम है और एंड्रॉयड 12 वर्जन है, उसके अंदर ही ऐसा वर्क कर रहा है। तो भाई तुम लोग देख लो अभी, और अगर तुमको जानना है कि इसको कैसे खेलना है, वैसे जानना तो हो गई कैसे खेलना है भाई, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जब मैं मार्ट में होता हूँ या फिर पोकेमॉन सेंटर में होता हूँ या फिर किसी से बैटल कर रहा होता हूँ, तब काफ़ी अच्छा FPS आता है, एकदम हाई क्वालिटी आ रही होती है भाई, जैसे कि निंटेंडो स्विच में खेल रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे अपन लोग नॉर्मली चल रहे होते हैं नॉर्मल लैंड पे, तब वहाँ पर FPS गिर जाता है थोड़ा बहुत। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।